हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना, जिसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे और ऊपर प्लेटें होंगी। तो जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि फ्रिल के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा। तो इस 3 मीटर कपड़े से मैंने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। तो ये कॉटन का कपड़ा है, प्रिंटेड कॉटन होता है। जो सबसे पहले हमने टॉप पार्ट के लिए जो कपड़ा अलग किया है, उसमें से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 4 तह में कपड़े को बिछा लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। जैसे कि टॉप पार्ट की जो हमारी रेडी लंबाई है, वो यहाँ से 16 इंच है, तो हम 17 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे एक सीधा। इसमें थोड़ा सा बड़ा ही टॉप पार्ट होता है, ऊपर से भी सीधा कर लेंगे। और चौड़ाई में हमने इसको लगभग 11 इंच लिया है। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे, आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो मैं 7 इंच पे शोल्डर ले रही हूँ, वी नेक बनाएंगे इसमें। 7 इंच पे आर्म होल ले रही हूँ और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा, और उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो मैं यहाँ से 11 इंच ले रही हूँ। अब कमर का भी चौथा हिस्सा, और उसमें भी हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच ले रहे हैं। दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे, यहाँ से गोलाई दे देंगे और आगे पीछे के दोनों पर्दे के साथ कट जाएंगे। अब यहाँ से हम गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच पे लेंगे, गले की जो यहाँ से गहराई है वो हम 7 इंच पे लेंगे, और इस तरीके से एक शेप बना, एक बॉक्स बना के गोल शेप दे देंगे, ठीक है। अभी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ तक कटिंग कर दी है। अब पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट को हम बाद में कट करेंगे। शोल्डर को भी थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो ये हमारे 2 पर्दे कट गए हैं। अब इसमें से हम आगे वाला कपड़ा अलग कर देंगे, जिसमें हम आगे वी नेक बनाएंगे और पीछे वाले को कट कर लेंगे। पीछे वाला पार्ट है हमारा। तो ये देखिए, ये दोनों कट गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो हमारा ये टॉप पार्ट है, ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो इसमें आप बिना बुकरम के भी बना सकती हैं। तो वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने क्या करना है कि यहाँ से 3 इंच चौड़ाई लेके, और वी नेक की जो लंबाई है वो 7.5 तक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगता है। तो आप 8 तक भी इसको रख सकती हैं। अब हम इसको दूसरी साइड भी थोड़ा सा हाथ से थपथपाएंगे, और ये सीधी साइड को लगेगा निशान, आप ध्यान रखें। तो ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया है। अभी ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना जो टॉप पार्ट है उसको रख के अपनी लेंथ लेंगे कुर्ती की, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। अगर आपको लेंथ छोटी चाहिए तो आप छोटी भी रख सकती हैं। जैसे मैं अपनी जो लेंथ है वो लगभग 44 इंच रखूँगी। बाकी का जो नीचे का कपड़ा बचेगा, उसे हम फ्रिल में यूज़ करेंगे। ये वाला फैब्रिक है जो, इसे फ्रिल में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम फ्रिल भी लगाएंगे। तो इतनी लेंथ तो हमारी इसकी रेडी है, लेकिन जब हम फ्रिल भी लगाएंगे इसमें तो इसकी लेंथ और बढ़ेगी। तो ये जो हमारी कुर्ती है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 45 से 46 इंच तक जाएगी। तो आप इससे कम करना चाहती हैं तो आप उसकी हाइट कम कर सकती हैं। इस तरीके से प्लेटें आएंगी, दोनों पर्दे कट गए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि इसमें से अपनी पहले स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स हमारी मतलब एल्बो तक रहेंगी। तो यहाँ से स्लीव्स की जो लेंथ है तैयार, वो हमारी 12 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 13 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब इस तरीके से खुली वाली साइड से 3 इंच पे, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे बाजू की, बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें 1.5 इंच और ऐड करके यहाँ से शेप बना के बाजू की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से भी हम हल्की सी गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये दोनों बाजू हमारी कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा, ध्यान रखें आप। मैंने इस साइड भी निशान लगा दिया है ताकि हमें पता रहे। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि ये हमने इसके लिए अस्तर कट कर लिया है। तो ये देखिए, हमने अस्तर को भी सेम कटिंग कर लिया है, और इस पर भी हमने वही वी शेप बना ली है, और हमने इसको सीधी साइड को उल्टा करके रखा है अस्तर को। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जॉइंट लगाया था, क्योंकि फैब्रिक कम था हमारे पास, तो जॉइंट लगा के हमने इसको रेडी किया है, ठीक है। सेम अस्तर अपने जो मेन फैब्रिक है उसी को रख के हमने कट कर लिया, इसको कट कर लिया था। अब हम इस यहाँ से इसमें कट लगाएंगे, और ये हम अस्तर सिर्फ टॉप पार्ट में ही लगा रहे हैं, नीचे घेरे में हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया है। छोटे छोटे कट लगा के अब इसको हम पलट देंगे उल्टी साइड को, ऐसे पलट के
एक सिलाई हम इसके ऊपर से भी लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से एक सिलाई लगा दी है। अब इसमें हम प्लेट डाल लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को। अब यहाँ से जो चौड़ाई रहेगी प्लेट की, वो यहाँ से 4.5 इंच तक रहेगी, लंबाई 5 इंच तक रहेगी। और ये आगे मतलब दोनों साइड को प्लेट्स हमारी आएंगी, और बैक पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही रेडी करना है। उसे भी आधा आधा इंच की मैं इसमें प्लेट डालूंगी। मैंने जैसे 2 इंच लिया था, तो मेरा 1.5 इंच रह जाएगा मार्जिन, और 1 इंच की मेरी प्लेट डल जाएंगी। तो मैं आधा आधा इंच की प्लेट सिर्फ सेप के लिए डाल रही हूँ, इससे सेप बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट हो गया है रेडी। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि इसका हमें इसमें हम लेस वगैरह अगर आप लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ से लगभग 1.5 इंच पे से लेके 2 इंच तक आप इस निशान को लगा सकती हैं। तो मैंने 2 इंच पे लगाया है। अब 2 इंच ऊपर से लेके अब बस इसको सीधा कर लेना है आपको, सेम दूसरी साइड करना है। यहाँ पे मैं लेस का यूज़ करूँगी। आप इसको प्लेन भी रख सकती हैं, आपको दूसरी साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही पार्ट को रख के हल्का हाथ से थप थपा दीजिए, तो वो निशान दूसरी साइड भी आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा निशान दूसरी साइड भी आ गया है। इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ये लेस ली है, ये जैसे इसमें हमारा आपको दिख रहा है थोड़ा सा वर्क है गोल्डन का, तो इस तरीके से ही हमें ये लेस लगा लेनी है। इनका मुंह आमने सामने करना है, और बाद में हमें ये वाइट लेस लगा लेनी है। ये देख, कुछ नहीं करना है, बस सीधी ही आपको ये सिलाई से लगा देनी है इस तरीके से। तो दोनों साइड को हमारी ये लेस लग गई हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दीजिए, और यहाँ पे हम ये वाइट कलर की जो ये सिल्वर कलर की लेस है इसको लगाएंगे हम। तो यहाँ से इसको हम पूरे में लगा के रेडी कर लेंगे। अब जो हमारा घेरे वाला कपड़ा है उसका सेंटर कर लीजिए आप, ठीक है। उस कपड़े का सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ से लगभग 2.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें प्लेट डालना शुरू कर देंगे। प्लेट हम आधा आधा इंच की से लेके 1-1 इंच तक की आप डाल सकते हैं। और ध्यान रखें वो सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। 2-2.5 इंच हमने इधर छोड़ा है, तो 2-2.5 इंच आपको दूसरी साइड भी छोड़ना है, क्योंकि वहाँ से हमारी ये स्लिट ओपन रहेंगी और फिटिंग भी होगी। तो पूरे में प्लेट नहीं डालनी है आपको। ऐसे देखिए किस तरीके से प्लेट डाल रहे हैं, आप भी ऐसे ही डालिए। बस ये ध्यान देना है कि जितना कपड़ा उधर छोड़ा है इतना ही हमें इस साइड छोड़ना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे में ये प्लेट अपनी डाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्लेट अपनी डाल दी है। अभी हमें क्या करना है कि इसका जो फ्रिल वाला फैब्रिक है उसको रेडी करेंगे। तो हम यहाँ से इसमें पहले एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसको सिलाई हमने लगा दी है, मोड़ दिया है। फ्रिल की जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच ली है। तो यहाँ से हमारी 6.5 की तैयार हो जाएगी ये, मतलब तैयार ये 6.5 है। और उसके बाद हमने जो फोल्ड किया है वो 1-1 इंच फोल्ड कर दिया है। इसमें मैंने डबल गोटा पट्टी वाली लेस लगा दी है। इस तरीके से हल्का सा खींच देंगे इसको, और बस इस कुर्ती को ऐसे रखेंगे। आप चाहें तो इसे बिना फ्रिल के भी रख सकती हैं, अगर आपको फ्रिल नहीं लगानी है। बस इसको ऐसे रख के हम और इसमें पूरे में इस फ्रिल को लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद बस फ्रिल को जैसे हमने ऊपर चुन्नटें डाली हैं, सेम हमें नीचे भी ऐसे ही चुन्नटें डालनी हैं। और बैक पार्ट को भी देखिए, हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो इस तरीके से साइड में 2 लटकन भी लगा सकती हैं। अब दोनों को ऐसे रख के आमने सामने और यहाँ पे फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें स्लिट कहाँ तक ओपन रखनी है और कहाँ तक बंद करनी है। तो मैं इसकी जो फिटिंग करूँगी वो 14 इंच तक करूँगी, मतलब 14 इंच तक मेरी फिटिंग होगी, उससे नीचे हमारी जो स्लिट है वो खुली रहेंगी। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं, सेम वही मेथड है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। उससे नीचे स्लिट बनाएंगे। तो पहले हम इसमें अपनी बाजू लगा लेंगे। तो देखिए, बाजू को ऐसे रखना है फ्रंट से, फ्रंट पार्ट मिला के, और बस ऐसे पूरे में लगाते हुए जैसे सिंपल बाजू लगाते हैं उसी तरीके से आपको बाजू को लगा लेना है। दोनों बाजूएं आपको सेम तरीके से लगानी है। और फिर 1-1 इंच कपड़ा मोड़ के, और जो हमारी वाइट लेस हमने गले के ऊपर लगाई है, ऐसे ही हमें वो वाइट लेस अपनी बाजू के ऊपर लगानी है डबल में, यहाँ से बॉटम पे। ये देखिए इस तरीके से, पहले आप ऐसे एक बार लगा लीजिए, फिर आप दूसरी साइड अगर लगाना चाहती हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे के पहले ये गोटा पट्टी वाली लेस लगाऊंगी, और फिर मैं ये जो मैंने गले पे लगाई है वो वाली लगाऊंगी। ये सिक्वेंस लेस है। तो दोनों बाजुओं पे सेम लगा के बस अब इसकी फिटिंग करेंगे हम 14 इंच तक, उससे नीचे फिर स्लिट हमारे खुले रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गई है इसकी फिटिंग।
अब इस सिलाई को ऊपर की साइड घुमा देंगे हम और फिर दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो फिटिंग है वो दोनों साइड को हो गई है। तो देखिए दोनों साइड को फिटिंग होने के बाद अब बस इसको इनके जो सिलेट हैं, जैसे सिंपल कुर्ती के सिलेट मोड़ते हैं, ऐसे ही हम सिंपल इसको मोड़ लेंगे सीधा सीधा। और आप चाहें तो यहाँ पे भी लेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखूँगी, लेस से मतलब लेस नहीं लगाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही रेडी करेंगे। तो दोनों साइड से हमें अपनी स्लिट बराबर बराबर मोड़ लेनी है। यहाँ तक भी मोड़ ली है, अब बस इसको इस साइड घुमा देंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ लेंगे इसको। ये देखिए, ये स्लिट हमारी यहाँ तक मुड़ गई है। अब जो नीचे का बॉटम है वहाँ पे फ्रिल लगा लेंगे, उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें किनारी आई हुई है वैसे भी, अब जो हमने फ्रिल ली थी उसमें भी हमारे में किनारी आई हुई है, तो इसमें हमें इंटरलॉक की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि किनारी वाले पार्ट से हमारी धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। अब आधा आधा इंच की हम इसमें ऐसे चुन्नट डालेंगे। ये देखिए, ये दोनों के लिए हमें तैयार रखनी है, मतलब एक में ही नहीं लगानी है, दोनों बैक और फ्रंट में दोनों में इसको चुन्नटों को हम डाल के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती बन के तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से इसकी फिटिंग वगैरह आई है। इसको हमने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ पहना है। इसका पैंट भी हम जल्दी ही आपके साथ शेयर कर लेंगे, जो इसका पैंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।